वेलकम टू गेट सुडो। आज रिव्यू करने वाले हैं हम JBL रन बीटी वर्जन का, जिसे मैंने खरीदा था करीब 1.5 साल पहले कुछ 2000 रुपए में। 1.5 साल ही से काफी ही दौड़ा के यूज किया गया है। पूरा नाम जो है इसका रन बीटी, उसका नाम का टेस्ट पूरा अच्छे से हुआ है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से एक बॉक्स में होती है, जिसके बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही सा है। अगर आपके पास ये यूनिट था तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा, अगर आपको याद हो तो। यहाँ एक साइड में आपको बैटरी मिलती है, तो इसमें कुछ नहीं है इधर, और दूसरी साइड पे आपको 3 बटन्स मिलती हैं जो कि म्यूज़िक कंट्रोल के लिए होती हैं। देख सकते हैं इसका बड इसमें नहीं है, किसी और ईयरफोन का लगा हुआ है। ये स्वेट प्रूफ है, इसके ऊपर से जो रबर का केस है हटाया भी जा सकता है, और ये काफ़ी चिपकुसा है, इतना जल्दी निकलता भी नहीं है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। म्यूज़िक की बात करें अगर हम, तो इसका बेस बहुत ही तगड़ा है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा है, और क्वालिटी डिसेंट है। बात करें अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की, 9.5 out of 10 दूंगा इसे। बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका, अब तक चल रहा है ये वही काफ़ी है, समझ सकते हैं आप कितना अच्छा बिल्ड क्वालिटी होगा इसका। बात करें इसके कॉन्स की, तो नॉइस कैंसिलेशन इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसकी बैटरी भी बहुत अच्छी हो सकती थी बट है नहीं उतनी अच्छी, 3 घंटे ऐसे कुछ चलता है ये। ओवरऑल JBL का बहुत डिसेंट पेयर है, स्पोर्टी सा एकदम हेडफोन है जो अभी तक साथ निभा रहा है। सो गाइस, ज़रूर कमेंट करके बताना कि अगर आपके पास ये सेम यूनिट है तो कैसी हालत में है वो, अभी मुझे जानना है। चल रहा है हमसे भी गिरी हालत में है वो। तो भूलना मत लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो पर।